25 तक कर लिया था। अब एक इसमें आप ये देखना कि यहाँ पे ना छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे दे रखे हैं, बट सबका अपना करने का तरीका एक ही रहेगा, रेलेवेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे भी। चाहे उसको शटडाउन बना दिया है, चाहे उसको ये बनाया हुआ है कि मेक और बाय का डिसीजन है, चाहे एक्सपोर्ट ऑर्डर है, हमारा पर्पस तो अल्टीमेटली वही रहेगा। अब है द जेड कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट ए चेन ऑफ 25 स्टोर्स। बजटेड डाटा फॉर द गार्डन स्टोर आर एज फॉलो। एनुअल सेल 425, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 382, एनुअल बिल्डिंग ओनरशिप कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड अबव, मतलब ये इससे एक्स्ट्रा होगी 20,000। द कंपनी कैन लीज द बिल्डिंग टू ए लार्ज फ्लावर शॉप फॉर 4,000 पर मंथ। डिसाइड वेदर द कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ दिस स्टोर और टू लीज यूजिंग, मतलब अपन ने क्या उसको बताना है, बिल्कुल छोटा सा है बट सिर्फ इसमें तीन डिफरेंट अप्रोच से करना है कि हमने अब उसको लेट आउट करें या अपनी कंटिन्यूशन करें। कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ दिस स्टोर यूजिंग द टोटल प्रोजेक्ट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। मतलब देखो ये तीन अपन जनरली भी जब करते हैं सम तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो इन्होंने ये तीनों तरीकों से पूछा कि आप इसको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले था द टोटल प्रोजेक्ट अप्रोच, उसमें कैसे करेंगे अपन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, तो अपन ये लिखेंगे कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है इस केस में और उस केस में, उसको अपन डिसीजन ले लेंगे। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, अगर आप अपना स्टोर चलाते हैं तो उसमें सेल कितनी हो रही है। सेल है आपकी, देखो इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे आएगी, सेल 4,25,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 382, ओनरशिप कॉस्ट 20,000। देखो ये टोटल जब कॉस्ट इसके अप्रोच पे बनाएंगे ना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अप्रोच पे, तो यहाँ पे ये कॉस्ट आएगी 20,000 की, चाहे ये दोनों में ही आनी है बट जब अपन टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आएगी, तो अपना प्रॉफिट होएगा 23,000 का। और उसके सेकंड वाले में अपन बनाएंगे अपनी सेल कितनी होएगी, अपने को 4,000 पर मंथ पे है तो एनुअली कितना हो गया 48,000 का, और उसके केस में कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी, वो कॉस्ट जीरो आ रही है बट ये ओनरशिप कॉस्ट तो उसमें भी रहेगी 20,000, तो प्रॉफिट हो गया अपना 28,000। ये फर्स्ट अगर इस पे है तो आप इसको प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे कि अपना डिसीजन ये होगा कि हमारे को बेनिफिट ये लीज आउट करने का है तो हम इसको लीज आउट करेंगे, ठीक है। फिर है अपनी इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में अपन कंपैरेटिवली देखते हैं कि अपनी सेल या कॉस्ट है वो अपनी कितनी बढ़ रही है, तो इसमें सीधी एक लाइन आएगी, देखो सेल तो अपनी उसमें है, दूसरे में तो सिर्फ रेंट है, तो इधर में सेल का अपना कितना आएगा, सेल से अपन 425 में से 325 लेस करके शो करेंगे, एक्सक्यूज इसमें अपनी आ जाएगी 425 माइनस 382, 43,000 की अपनी इनकम है और रेंट वाले में है 48,000 की, कितना इंक्रीमेंटल हो गया 5,000। ये अप्रोच से बस प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, ये सिर्फ आपको ये देखने के लिए है कि मान लो ये तो एक एक लाइन का ही सम है बट किसी और तरह का सम आता है तो आपको अगर किसी अलग अप्रोच से दिया होगा तो आप उसको देखना है कि इसमें अपना बेनिफिट कितना हो रहा है, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच से आ गया। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमेशा ये रखते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप पहले कर रहे हैं उस पर वर्किंग करेंगे, जो आप सोच रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी एज ए ट्रीट करेंगे,
ठीक है। इसमें देखो अपन दोनों तरीकों से कर सकते हैं कि लेज आउट कर दें, फिर आप कहें कि उसमें से अपने को इतनी इनकम हो रही थी वो अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। दोनों की तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है ना। तो अपन पहले सेल कितनी कर रहे हैं इसकी, 4-25 हजार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 380,000, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 48,000। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें वो जो 20,000 वाला रेंट है वो कहीं पे भी नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन में वो नहीं आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आप उसको यहाँ पे भी दिखा दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी लेस कर दो, बट अगर क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इरेलीवेंट है, दोनों केसेस में आ रहा है। सो वो सिर्फ अपने फर्स्ट केस में लिया है क्योंकि उसको ऊपर टोटल कॉस्ट के बेस पे दे रहे हैं, अदरवाइज ये ओनरशिप का रेंट इरेलेवेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीधी सीधी आएगी 48,000 की, तो अपने को 5,000 का लॉस हो रहा। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। ट्वेंटी 27th है। द कार केयर कॉरपोरेशन हैज जस्ट टुडे पेड फॉर एंड इंस्टॉल्ड ए स्पेशल मशीन फॉर पॉलिशिंग कार्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रेस्टिजियस आउटलेट। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द कंपनीज फिस्कल ईयर। द मशीन कॉस्ट 20,000, 20,000 की इन्होंने मशीन परचेज की है। इट्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 15,000 एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा इसकी एनुअल कॉस्ट है 15,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। द मशीन विल हैव 4 ईयर यूजफुल लाइफ विद नो डिस्पोजेबल वैल्यू, 4 ईयर लाइफ होगी, 5 साल इसका डेप्रिसिएशन हो गया। After the machine has been used for one day, a machine salesman walk in. He offers a different machine that promised to do the same job at yearly operating cost of 9,000. मतलब आपने एक ही दिन यूज की थी तो आपके पास सेलमैन आ गया, वो कहता है कि एक नई मशीन ले लो, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 9,000, फर्स्ट वाले में थी 15,000 एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अलावा। द न्यू मशीन विल कॉस्ट 24,000। अब ये 24,000 की परचेज करनी पड़ेगी इन कैश ड्यूली इंस्टॉल्ड। द ओल्ड मशीन इज यूनिक एंड कैन बी सोल्ड आउटरेटली फॉर ओनली 10,000 माइनस 2,000 रिमूवल कॉस्ट। अब जो अपने फर्स्ट वाली लगाई थी 20,000 की, वो कह रहे हैं कि वो इमीडिएटली 10,000 में सेल हो जाएगी और 2,000 रुपये अपने को उस पर रिमूव करने का खर्चा भी आएगा, तो नेट अपने को 8,000 ही मिलेगा, तो इट मीन 12,000 का लॉस हो रहा है। द न्यू मशीन लाइक द ओल्ड वन विल हैव ए 4 ईयर यूजफुल लाइफ एंड 0 टर्मिनल वैल्यू। सेल ऑल इन कैश विल बी 1,50,000 एनुअली एंड अदर कॉस्ट विल बी 1.10 लाख एनुअली रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन। अब ये इन्होंने अपनी सेल और कॉस्ट बता रखी है, ये डिप्रिसिएशन तो अलग होगी, उस मशीन पे जो काम करना है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेल और कॉस्ट है 1.5 लाख और 1,10,000। फॉर सिंपलिसिटी इग्नोर इनकम टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट फॉर ईच ऑफ द 4 ईयर अंडर बोथ अल्टरनेट। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव डिफरेंस इन कैश फ्लोज ऑफ द 4 ईयर टेकन टूगेदर। अब अपने क्या बनाना है, पॉइंट ए से शुरू करते हैं। अपने कैश रिसीव्ड और उसकी वो बनानी है डिस्टर्बेंसमेंट की, 4 सालों की, 4 साल में आपका कैश कैसे आएगा और कैसे जाएगा, देखते हैं इसको अपन। देखो ये एक तो है, अगर हम ओल्ड मशीन के साथ जाते हैं, ये है अगर अपन न्यू मशीन के साथ जाते हैं। ये रुको, इन्होंने ना दो बसों में बांटा, वो ठीक भी है, वैसे तो इनको अलग करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हर साल में आपको अलग अलग पूछा है, तो बेटर ये होगा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और टोटल लिखो यहाँ पे, पर सेकंड थर्ड फोर्थ में सेम है तो इसमें सेम लिख दिया। फर्स्ट ईयर
सेकंड टू फोर्थ ईयर और टोटल फर्स्ट ईयर सेकंड टू फोर्थ और टोटल। सबसे पहले कैश रिसीव्ड में क्या आएगा, अपनी सेल, सेल बोथ केस में सेम है, पहले साल में 150, फिर 450 और 600, 150, 450 और 600। फिर अपनी इनकम और क्या है, फर्स्ट केस में तो कुछ भी नहीं है और सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में अपन उस मशीन को पहले वाली को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा सेल ऑफ मशीन, कितने की टोटल अपने पास आएगा फर्स्ट ईयर में 8 लाख, ठीक है। अब कैश आउटफ्लो देखें, सबसे पहले तो एक्सपेंसेस जो अपने बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस आएंगे 110, कॉस्ट आएगी जो 110, 300, हाँ 330 और 440, ये दोनों में सेम रहेंगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन की, पहले में 15,000 है और यहां पे 45 आएगा, 3 सालों का ये 60 हो गया, इसमें 9, 27 और 36, ठीक है। फिर परचेज कॉस्ट आएगी मशीन की, पहली मशीन अपन ने 20 में परचेज की है, ये अपन ने कितने की परचेज की है, 24 की। और यहां पे ये 20,000 दोबारा भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो अपन ने दोनों केस में सेल की है ना, और सॉरी परचेज की है, और उसमें ये फर्स्ट परचेज करके यहां पे सेल कर दी, यहां पे ये परचेज कर दी, ठीक है, ये अपना कैश रिसीट बन जाएगा। टोटल लगाना है इसका, सिर्फ टोटल का अपने कंपैरिजन करना है, 520 और 520 नेट कैश आउटफ्लो आएगा आपके पास, यहाँ पे 80 का और यहाँ पे 88 का, तो आपका टोटल सेकंड केस में 8 का आउटफ्लो आपके पास ज्यादा आ रहा है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फोर ईयर अंडर बोथ अल्टरनेटिव, अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव डिफरेंस इन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फोर ईयर टेकन टुगेदर। अब इसको सेम तरीके से करना है, पहले तो अभी तो अपन ने क्या बनाया है, कैश फ्लो बनाया है, और अब इस पे क्या बनाना है अपने, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, सेम तरीके से आएगा, देखो ओल्ड न्यू फर्स्ट ईयर सेकंड टू फोर्थ टोटल अब इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले सेल आ गया 150, 450 और 600, 150, 450 और 600। फिर अपनी कॉस्ट आएगी इसकी मटेरियल की 110, 110, 330 और 440। नहीं नहीं देखो दो चीजों का फर्क आएगा, एक तो हाँ पीएनएल के फॉर्म में, बट क्या क्या नहीं आएगा वो भी देखो ना, उसमें सेल वैल्यू भी आई है मशीन की, यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगी, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन की कितनी है इस केस में, 15, 45 और 60 और इसमें 9, 27 और 36।
अब इसमें डेप्रिसिएशन आएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड से बताया हुआ उन्होंने, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 5,000, 15,000 और 20,000, यहाँ पे आएगी कॉस्ट आपकी 6, 18 और 24। देखो यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं आई मशीन की, कॉस्ट अपने जो परचेज की है वो भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, जो अपने को मशीन सेल करने का प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो कितना हुआ अपना का यहाँ पे 12, ये बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस 600 में से 400, ये आपका 80 आ गया सेम, और ये आ गया ये भी 88 आ गया, आया तो डिफ सेम ही है, मतलब वो जो कॉस्ट आ गई फर्स्ट में ही आ गया, आपकी फर्स्ट ईयर में आएगी और उसमें आ जाएगा वो, बाकी बैलेंस निकाल के अपने लॉस में बुक कर दिया, बट ये आपका प्रॉफिट बना है वो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बना। थर्ड है उनका क्वेश्चन, What are the irrelevant cost in your presentation in requirement A and B? Why are they irrelevant? अब आप अगर इसमें बात करें तो irrelevant cost इसमें कौन कौन सी है, सबसे नंबर पहले तो एक नंबर ये सेल irrelevant है, नंबर टू ये एक्सपेंसिव irrelevant है, नंबर थ्री ये जो आप परचेज कर रहे हैं मशीन की ये irrelevant है, क्योंकि ये अपन दोनों केस में ही परचेज करनी है इसको, ट्वेंटी थाउजेंड की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आपके डिसीजन मेकिंग में देखो ना, अगर आप ये तीनों नहीं दिखाए फिर भी आपका डिफरेंस 8 ही आएगा, ये तीनों काट दो यहां से 600 भी चला जाएगा, 440 भी, 20 भी, यही तो सेम है, बाकी रेलेवेंट है। इरेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों केसों में ही इनकर्ड हो रही है, इसलिए ये डिसीजन में नहीं आएगा। हो गया सी नंबर पॉइंट था ये। डी है, सपोज द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड मशीन वाज 10 लाख रेदर देन 20,000, कहता हूं 20,000 की ना होगी अगर 10 लाख की होती, नेवरदलेस द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड आउटराइट ओनली फॉर 10,000 माइनस 2,000, और बिकेगी वैसे ही 10,000 और 2,000 में करके, वुड द नेट डिफरेंस इन रिक्वायरमेंट ए एंड बी चेंज, एक्सप्लेन, क्या आपका नेट रिक्वायरमेंट कोई चेंज होएगी या नहीं होएगी, नहीं होएगी, क्योंकि दोनों केस में 10 लाख आपने ऊपर कह ही दिया कि ये इरेलेवेंट, और 10 लाख की खरीदो चाहे 20 लाख की खरीदो उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें सिर्फ आपने यही आंसर ही देना है और प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं आएगा कि ये इरेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसलिए ये नहीं आएगा। टू अवॉइड ए लॉस we should keep the old machine, what is the role of book value in decision about replacement of machine, वो कह रहे हैं कि इसकी book value हम अगर रख के रखते हैं तो उससे decision making में क्या फर्क पड़ेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसकी बात कर रहे हैं अब, ये जो 20,000 जो अपने cost first incurred करी है उस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक book value है, वो तो already incurred हो चुकी है, उसको अब जैसे भी कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है जेपी? अब छोटी छोटी रजिस्ट्रेशन है ये भी, ये आपकी मार्जिन कॉस्टिंग का आ गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा मार्जिन कॉस्टिंग का एक्सप्लेन किया हुआ, अब से ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं मार्जिन कॉस्टिंग के हो रहे हैं, अभी तक आपके कोर उसमें आ रहे थे डिसीजन मेकिंग के। मार्जिन कॉस्टिंग क्या होती है, ये इंटरमीडिएट ने आपने डिटेल में की है कि मार्जिन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट को
कोस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जब इस नेचर से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको, मार्जिनल कॉस्टिंग। आप कॉस्ट को डिफाइन करते हैं बाय नेचर, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इसको डिवाइड करके उसके हिसाब से जो अपन स्टोर कॉस्ट निकालते हैं उसको अपन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट एक सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, जैसे कि आपकी जॉब, और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होगा कि जैसे एक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग होती है, ये कोई कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करती, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए उन चीजों को प्रेजेंटेशन करती है। जैसे अपने बजट में किया है और स्टैंडर्ड में किया है, स्टैंडर्ड भी एक अलग कॉस्टिंग नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग और बजट कॉस्टिंग, ये कॉस्ट की टेक्निक है जो अपने कॉस्ट कैलकुलेट ऑलरेडी की होती है, ये उसको एनालिसिस करती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ये वेरिएबल पोर्शन पार्ट आ जाता है उसको आप क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। जो वेरिएबल पार्ट होता है ना इसका, उसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या आ गया कि आप इसको अलग अलग करते हैं, पहले उसकी वेरिएबल कॉस्ट दिखाते हैं, फिर उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं। इन्होंने देखो प्रेजेंटेशन दी है कि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये बड़ी अच्छी दी हुई है। देखो सबसे पहले आप शो करते हैं रेवेन्यू, सेल आ जाती है सबसे पहले अपनी, सेल में से आप सारे पहले वेरिएबल एक्सपेंस निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये जो जो कॉस्ट आ जाती है, ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड वेरिएबल हेड। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक विद वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे जो आ जाता है ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अपन सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंसिडरेशन देते हैं। फिर इसमें ऐड किया और सॉरी लेस किया सेल एक्सपेंसेस, हाँ ऐड करेंगे इसमें, कॉस्ट में ऐड करेंगे वेरिएबल, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ ऐड करते हैं जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे किया, तो ये आपकी आ गया कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। ठीक है, तो सेल में से उसको लेस करते हैं अपना, तो ये क्या आ जाता है अपना कंट्रीब्यूशन, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिर आप आर टाइप की फिक्स कॉस्ट लेस कर सकते हैं। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में अपन क्या करेंगे कि अगर अपने डिसीजन मेकिंग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, सबसे पहले क्या करना है अपने, सब प्रोडक्ट की, अगर अपने को प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन दिया हुआ है, अगर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट की, सबकी अलग अलग अपने क्या निकालना है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन सबका इकट्ठा करके फिर हम डिसीजन लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसी आनी है, अपने डिसीजन यहाँ पे किस पे होंगे, कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कि आपको कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल रहनी है, वो किसी स्पेसिफिक केस में होगा कि अगर ये कम या ज्यादा हो रही है किसी डिसीजन मेकिंग से, अलग बात है, नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट उसको आप भूल जाते हैं, अपने डिसीजन आप किस पे लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पे। अब ये देखो ये है इलस्ट्रेशन आपका, आपकी ये कैपेसिटी दी हुई है 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000।
यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मींस आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इसमें वेरिएबल पोर्शन भी आया है और फिक्स्ड भी आया है। 6000 पे 80 है, 7000 पे 75, 74, 72 और 71। मेंस फिक्स्ड कॉस्ट अपनी सेम रह रही है, वेरिएबल की वजह से जो जैसे जैसे प्रोडक्शन आपकी होती होगी वैसे कॉस्ट कम आती जाएगी, ये तो क्लियर है अपने को। यूनिट सेलिंग प्राइस है, अगर आप 6000 की सेल करते हो तो 100 है, 7000 पे 97 है और 8000 पे 95 है। द फर्म इज ऑपरेटिंग एट 8000 यूनिट कैपेसिटी, मतलब आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं अभी। अपने को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 74 की, सेलिंग प्राइस है अपना 95 एंड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 2000 यूनिट फ्रॉम एन एक्सपोर्ट मार्केट एट प्राइस ऑफ 70 पर यूनिट। एडवाइज द फर्म एज टू वेदर द एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। सिंपली बिल्कुल छोटा सा उसने कंसेप्ट क्लियर किया है कि आप, आपकी कॉस्ट पड़ रही है 74 रुपए की, सेल वैल्यू है 95000 की, 8000 का आप यूनिट सेल कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी टोटल 10000 की है, आप 2000 का आपके पास एक ऑर्डर आया है, आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उसकी वैल्यू है 70 रुपी। और अगर आप 2000 यूनिट बनाते हो तो वो आपको कितने का पड़ रहा है कॉस्ट, तो सीधा सीधा देखने से क्या लगता है कि ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट ये हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अपने को वो देखनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो ना, सम से क्या लगता है कि हम कहेंगे कि यार अपने को 10000 की कॉस्ट ही 71 की पड़ रही है तो हम 70 में क्यों लेंगे, बट नहीं, हम इसको लेंगे क्योंकि इसके ये आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देगा। देखो अभी अपनी 8000 पे कॉस्ट कितनी है, 74, और 10000 पे कॉस्ट कितनी है, 71, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया यहाँ पे अपना, 74 × 8000 टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 5,92,000, ऐसी आया ना कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कितना आया, 7,10,000। तो आपकी कॉस्ट में डिफरेंस कितना आया, 7,10 − 5,92 डिवाइडेड बाय आउटपुट का डिफरेंस, तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गया 59। 59 क्या आ गया आपकी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, बाकी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। इट मींस अगर आप 70 रुपए का ऑर्डर लेते हो तो आपको 11 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी आपकी, तो उन्होंने जो कॉस्ट बताई है रिड्यूसिंग आ रही है। अब आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो कि मेरे को इतना आ रहा है तो मैं प्रॉफिट करता हूं तो बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर इस फिक्स्ड कॉस्ट अपनी देखो ना कितनी हुई, ये अपनी ये होगी, एक सेकंड, आप फर्स्ट केस में बात करते हैं तो यहाँ पे 7-10 में से 5,90,000 की तो वो होगी ना आपकी वेरिएबल, 7-10 − 5,90 कितना आ गया, 1,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी। मतलब एक मिनट मैं पहले चेक कर लेने दो, तो इनकी 120 है। अच्छा हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। अब पूरा अपन एग्जैक्ट बनाते हैं, 8000 में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई है, नहीं वेरिएबल 74 थोड़ी है, 59 आ गई इनटू 8000 कितना हुआ आपका, 59 इनटू 8000
472 की तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने 120 निकाली है ना, 120 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 472 प्लस 120, 5,92,000 है यार, ठीक है। ये पर यूनिट आ गई 8,000 डिवाइडेड करके डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 74। हाँ, और ये आ गई आपकी 59, और ये आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाय 8। पर यूनिट अगर निकालेंगे तो 15 ये आ गई, ठीक है, यही हो गया ना। 10,000 में क्या आएगा? ये तो आपका 59 ही रहेगा, 59, और ये टोटल आ गया आपका 590। ये आपका 120 ही रहेगा, और टोटल अब ये कम होके कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, पर यूनिट 12 आ जाएगी ना ये, और ये होगी आपकी 590 प्लस 120, 710। तो पर यूनिट ये कितनी आएगी? 71 रुपए, ठीक है ना, पर यूनिट। ये देखो ये स्ट्रक्चर है। अब आप 59 वेरिएबल कॉस्ट पे खड़े हो, तो आपके पास वो ऑर्डर अगर 60 रुपए का भी आएगा ना, तो आप एक्सेप्ट करोगे, चाहे आपकी यूनिट कॉस्ट तो कोई भी पड़ रही हो। अपने अपना कंट्रीब्यूशन देखना है कि अपने को कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है वहां पे। अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे को चार्ज की होती है, वो तो उतनी रहनी है, क्योंकि आप अगर 10,000 का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। आप उसको ऐसे भी अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है दे भी सकते हो कि 8,000 में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल दो, 10,000 में अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल दो। और एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहां और यहां पे डिफरेंस कर जाए। मतलब देखो ना, 680 थी, अब आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर अपने यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिया ना 59,000, 8 से अगर 10 में जाते हैं तो, अगर 6 में 8 में जाते हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है अपनी? 80 और 74 है टोटल कॉस्ट। यहाँ पे 60,000 पे कितनी है? 48, 4,80,000, और उस पे कितनी है? 8,000 × 74 592 ही है, ठीक है। 592 − 4,80 कितना हुआ? 1,12 हो गया, डिवाइडेड बाय 2,000, सेम ही आएगी ना, ये तो 56 आ गया, ये भी 56 आ रहा है, और वहां पे अपने निकाला है 59। इट मींस क्या है? इट मींस कि इसमें कुछ ना कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर रहा है। तो आपने डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी लेनी है? आपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो लेनी है जहां से आपकी बात शुरू हो रही है। आप 8,000 पे तो खड़े ही हो, 6,000 पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, आपने 8 से 10 में जाना है, वहां पे डिसीजनिंग के लिए आप देखो कि इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है, ठीक है ना। अगर आप वेरिएबल की बात करें वैसे तो ये सेम रहनी चाहिए, बट इट मींस क्या है, इसमें कुछ ना कुछ सेमी फिक्स्ड का पोर्शन है। तो आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, आपने कब कहां से लेना है कि आपसे कौन सी बात हो रही है, वहां से वहां पे पहुंचने तक अपने को कौन सी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरे को भी यही था कि ऐसा होता है जनरली, इसमें भी देखो उसने सेम कर रखी है। अगर आप टोटल वेरिएबल करेंगे तो सब में वेरिएबल डिफरेंट आ रही है, इसमें इसमें सेमी वेरिएबल का पोर्शन है। तो आप क्वेश्चन में यहां से यहां तक जाना है ना, तो आप इसकी बात करेंगे सीधे। क्लियर है? ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नंबर 29, ऑल प्ले एंड नो वर्क लिमिटेड आर स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, दे मैन्युफैक्चर क्रोक्यूट मैलेट्स बट परचेज द वुडन बॉल्स, आयरन आर्चेस एंड स्टेक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए कॉर्क्यूसेट। मैलेट्स कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड हैंडल, मतलब जो मैलेट बनाते हैं इसमें दो चीज आती हैं, एक तो हेड एक
हैंडल। हैंडल यूज 1.5 बोर्ड फीट पर हैंडल एट 40 पर बोर्ड फुट, मतलब हैंडल बनाने के लिए अपने को 1.5 बोर्ड लगता है और बोर्ड की कॉस्ट क्या दी हुई है 40। स्पॉइलेज लॉस इज नेग्लिजिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडल, मतलब हैंडल में स्पॉइलेज कुछ नहीं आती लॉस आपका, जितना आप बोर्ड लगाते हैं उतने ही वो बन जाते हैं। हेड फ्रीक्वेंटली स्प्लिट एंड क्रिएट कंसिडरेबल स्क्रैप। अब ये देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने दो चीजें डाल रखी हैं, एक तो आप हैंडल बना रहे हो और एक बना रहे हो हेड। हैंडल को उसने बता दिया कि डेढ़ बोर्ड लगता है 40 के हिसाब से, उसमें कोई स्पॉइलेज नहीं आ रही। जो हेड बना रहे हो उसमें स्क्रैप आता है। ए हेड रिक्वायर 0.20 बोर्ड फीट ऑफ हाई क्वालिटी लंबर कॉस्टिंग 70 पर बोर्ड कॉस्ट। हेड बनाने में आपको बोर्ड लगता है कितना लगता है 0.2 और पर बोर्ड की कॉस्ट कितनी है 70। स्पॉइलेज नॉर्मली वर्क्स आउट टू 20% ऑफ द कंप्लीटेड हेड, मतलब स्पॉइलेज कितनी होती है, जितना आपका एक हेड कंप्लीट होता है उसकी 20% स्पॉइलेज होती है, मतलब कितना मटेरियल लगेगा आपका ना, आपका 0.2 बोर्ड लग रहा है ना प्लस आपका क्या कर देंगे 20%। ये 80% हो गया। 4% ऑफ द स्पॉइलेज हेड्स कैन बी सेल्वेज्ड एंड सोल्ड एज ए स्क्रैप ऑफ 10 पर स्पॉइलेड हेड, मतलब जो आपकी आगे स्पॉइलेज आती है उसको कहते हैं 4% आपका सेल हो जाता है 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है 20% का 4% जितनी सैलवेज आएगी। सैलवेज अब कितनी आएगी अपनी, अगर आप 20% की सैलवेज कंप्लीट हेड की आएगी, इसने ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाला हुआ है कि मान लो आप बोर्ड लगा रहे हो 0.20 का, तो 0.20 में आपका 20% करेंगे आप 0.2 प्लस 20%, तो आपका टोटल बोर्ड लग रहा है 0.24 का, टोटल बोर्ड 0.24 का लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इन द डिपार्टमेंट मशीन एंड असेंबलिंग द मैलेट्स 12 मैन वर्क 8 आवर पर डे फॉर 25 डेज इन ए मंथ। ये उसने क्या बना बता दी अपनी कैपेसिटी बता दी टोटल कि 12 आदमी है 8 घंटे काम करते हैं 25 दिन के लिए। ईच वर्कर कैन मशीन एंड असेंबल 15 मैलेट्स पर अनइंटरप्टेड 50 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब 50 मिनट में 15 मैलेट बनते हैं अनइंटरप्टेड 50 मिनट, मतलब अगर कोई स्टॉपेज आएगा तो वो उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इन ईच 8 आवर वर्किंग डे 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर कॉफी ब्रेक, 8 मिनट्स ऑन एवरेज फॉर ट्रेनिंग एंड 9 मिनट फॉर सुपरविजन इंस्ट्रक्शन, मतलब सारे दिन में वो इतने टाइम खराब कर देते हैं 15 मिनट तो एक 8 मिनट ट्रेनिंग और 9 मिनट सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन के, इतना टाइम वो पर डे खराब कर देते हैं। ये पर डे किसका खराब हुआ, एक मैन का खराब हुआ, तो आपके पास अगर टोटल 12 मैन है तो उतना वेस्ट होगा ना। बिसाइड्स 10% ऑफ द ईच डे इज बुक दैट आइडियल टाइम टू कवर चेकिंग इन एंड चेकिंग आउट चेंजिंग ऑपरेशंस, मतलब 8 घंटे में से अगर 8 घंटे में आपका 480 मिनट है ना, तो 48 मिनट कितने किस पे वेस्ट हो जाते हैं आइडियल टाइम पे। वर्कर आर पेड एक कॉम्प्रिहेंसिव रेट ऑफ रुपीज 6 पर आवर, मतलब उनको दिन में आप देते कितने हैं 8 घंटे के ही पैसे देते हैं 6 रुपए के हिसाब से, उसके बीच में से उसके 48 मिनट आइडियल टाइम के चले गए, बाकी 15, 8 और 9 मिनट वो चले जाते हैं, वो आपके आउटपुट पे इंपैक्ट पा रहे हैं। द डिपार्टमेंट इज गियर टू प्रोड्यूस 40,000 मैलेट्स पर मंथ एंड द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर एज अंडर। अब उन्होंने 40,000 मैलेट बनाने हैं हर महीने और उस 40,000 की उन्होंने ये कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, फिनिशिंग एंड पेंटिंग
लुब्रिकेंट ऑयल ऑफ मशीन डेप्रिशिएशन रिपेयर पावर प्लांट अदर ओवरहेड एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट। तो इसमें देखो जो फर्स्ट वाला है सिर्फ खाली यही वेरिएबल लग रहा है ना, क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। बाकी सारे कौन से एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड कॉस्ट है ये सारी। पावर भी हो सकता है, पावर टू रन द मशीन। ऐसे तो देखो सारी चीजें इनसे रिलेटेड ही हैं। मान लो लुब्रिकेंट ऑयल भी मशीन की उस पे आ जाता है कि जितनी मशीन चलेगी उतना ही तो ऑयल यूज होएगा, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आप ले सकते हो, बट इन्होंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इसको ले रखा है, तो ये आप इसमें थोड़ा सा नोट दे सकते हो कि हमने इसको ये वेरिएबल माना है, और ये क्योंकि ये तो क्लियर वेरिएबल है। फिनिशिंग एंड पेंटिंग ऑफ द मैलेट, वो तो जितने मैलेट बनेंगे उस पर ही आएंगी, बाकी इन्होंने फिक्स्ड ले रखा है, बट आप जो भी चाहो उसमें ये ऐड कर सकते हो फिक्स्ड में वेरिएबल में, और क्या चीज ऐड करनी है आपने। बट जनरली जनरली जो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है वो फिक्स्ड में ही आ जाती है, उसको आप डेप्रिशन के साथ ही ऐड करते हैं। एज द मैलेट्स आर मशीन एंड असेंबल्ड इन लोट ऑफ 500, अब उन्होंने क्या बता दिया कि जो आप मैलेट्स बनाते हो वो 500 के लोट में बनाते हो। प्रिपेयर ए टोटल कॉस्ट शीट फॉर वन लोट, वन लोट मतलब 500 मैलेट की अब अपने कॉस्ट निकालनी है, एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड पर मैलेट इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मिनिमम 20% मार्जिन ऑन द सेलिंग प्राइस। अब अपने क्या करना है कि कॉस्ट निकालनी है जिसपे वो 20% प्रॉफिट सेट कर सके। कितने की कॉस्ट निकालनी है, देखो इस चीज का अपने आगे बिल्कुल ध्यान रखना। इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्रिपेयर ए टोटल कॉस्ट शीट फॉर वन लोट, आपने कॉस्ट तो वन लोट की बतानी है, वन लोट कितने का है 500 मिनट, एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड पर मैलेट। जब आपकी लास्ट पे कॉस्ट निकल जाएगी तो आपने उसको 500 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो ये कुछ नहीं, बट ये एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या गया हुआ है उसे। चाहे तो आप लास्ट में मैरिट की कॉस्ट निकाल दो तो लोट का भी तो सेल प्राइस निकाल दो, वो एक ही बात है, पर उसको आप डिवाइड करके पर मैरिट की कॉस्ट निकालनी है। ये आपने रिक्वायरमेंट जरूर देखनी है कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है क्या, क्योंकि ये तो सारा सब खत्म होने के बाद ये तो सिर्फ डिवाइडेशन रह गया, बट वो डिवाइडेशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की बाकी चीजें हैं। अब अपा इसके 500 लोट की कॉस्ट निकालें। सबसे पहले हैंडल, हैंडल कितना लगता है, ये सिंपल ही है बिल्कुल, 1.5 बोर्ड लगता है एक मैलेट पे 40 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ गया 1.5 × 500 @40, ये आपका आ गया। ना 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 ना, वो तो स्पेसिफिकली उसने कहा है कि लोड की कॉस्ट बनाओ, वो बनाते ही 500 के लोड में है तो आप उसको कैसे कर दोगे, वही तो फिर तो इसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म होगी, फिर तो आप अपने हिसाब से बनाते हैं कि कॉस्ट कैलकुलेट करो। स्पेसिफिकली उसने कहा है कि वो लोड में ही बनाते हैं, तो आप 500 लोड की ही कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। अब आ गया हेड, हेड आपका कितने का लग रहा है, देखो 0.2 बोर्ड लग रहा है प्लस इसका 20% अपने वेस्ट करना है, × 500 500 के लिए @70, ये कितना आ जाएगा 8400 आ जाएगा, करके देखो 0.2 + 20% ये हो गया 0.24, ठीक है ना, 0.24 × 500 120 हो गया, 120 × 70 = 84 हो गया, ये आपका टोटल 84 आ गया। बट इसमें स्क्रैप भी निकलेगी, अब स्क्रैप कितनी निकलेगी, आपका 500 का लोट बना है ना, ये एक
500 के लोड में कितनी स्क्रैप निकलेगी? 500 इंटू 20%, 500 का 20% स्क्रैप निकलेगा ना, कितना हो गया 100, 100 का 4%, 4 एट द रेट ऑफ 10 माइनस 40 आ गया। देखो ये चीज क्लियर हो रही है कैसे आई है। 500 का लोड आपका बनाया, उसमें से 20% स्क्रैप निकला, 100 का स्क्रैप आ गया, उसका 4% किया, 4 आ गया, वो 10 रुपए के हिसाब से बिक्री है, तो आपकी स्क्रैप 40 रुपए की बिक्री है, तो आपकी मटेरियल की हेड की कॉस्ट आ जाएगी 8360। टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई 38360। क्लियर है। अब लेबर पे आए कि अपनी लेबर कितनी लगती है। अब देखो 50 मिनट में 15 वो बना लेते हैं टोटल मैलेट्स, ठीक है। पहले आप देखें कि अपने 8 घंटे में आउटपुट निकलती कितनी है। 8 घंटे में मतलब अपने मैलेट बन कितने सकते हैं। देखो अपने पास 8 घंटे मतलब कितना टाइम हो गया, 48 मिनट हो गए। अब हम पर बंदे की बात कर रहे हैं, 8 आवर इंटू 60, अपने पास 480 मिनट है, जिसमें से 10% आइडल टाइम चला जाता है, माइनस 48 कर दें आइडियल टाइम, फिर उसके 15 मिनट एक वेस्ट हो रहे हैं, 9 मिनट एक है और 8 एक है, ये टोटल कितना बन गया 80 मिनट। 80 मिनट तो आपके वेस्ट हो रहे हैं, तो टोटल एक बंदे के एक दिन के, तो एक मैन पावर आपको 400 मिनट ही लगा पाती है, 8 घंटे में 400 मिनट ही लगा देती है। इस 400 मिनट में से 50 मिनट यूज करके आपके 15 बनते हैं। तो यहां पे लेबर आप कैसे लगाएंगे, देखो 400 आपके इस 400 में बनते हैं 400 divided by 50 multiply 15। ये क्लियर है ना कि आपके इतने मिनट बनेंगे इनटू 120 आ गया। ठीक है, अब ये 120 क्या आ गया यार, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। एक बना सकता है तो अब आपकी पर उसकी कॉस्ट कितने आ जाएगी। अब अपने 500 का लोट बनाना है ना, तो ये बनया 500 divided by 120, एक दिन में आया, एक बंदे का आया ना, और एक बंदे का कितना है कॉस्ट, 8 आवर एट द रेट ऑफ 6 है, 8 at the rate of 6, ठीक है, ऐसे आएगा ना 500 divided by 120 into 200 आ गया, 200 लेबर कॉस्ट आया। ठीक है, मैं भी दोबारा कंफ्यूज हो गया। देखो ना आपके अभी अपने यहां पे क्या निकाले थे कि एक आदमी 50 आपके 50 मिनट में 15 बनते हैं, तो 400 आपके, हाँ 400 के इफेक्टिव आवर थे, उस 400 में आप 120 बना सकते हो। हाँ एक मैन आप आपके 120 यूनिट बना सकता है, मतलब एक मैन मतलब 8 घंटे में, 8 घंटे में आपके कितने यूनिट बन रहे हैं 120 यूनिट, और 8 घंटे में कितने पैसे आप पे कर रहे हो 48 रुपीज एट द रेट ऑफ से, तो 48 रुपीज में आपके 120 यूनिट बन रहे हैं, तो आपने कितने यूनिट बनाने हैं 500।
48 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 120, 200 रुपया आ जाएगा। 48 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 120, क्लियर है कि दोबारा देखें, 120 बन रहे हैं एक बंदे से, एक बंदा 8 घंटे पे 6 रुपए, 48 रुपए की 120 की आ रही है, तो अपने को बनाने के लिए 200 बनाना पड़ा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, अब आपके पास टोटल मैन पावर कितनी है, टोटल मैन पावर है आपके पास ना, टोटल आपकी कैपेसिटी मेलेक्स बनाने की कितनी है, देखो अपना एक बंदा कितने बना सकता है, 400 ना, एक बंदे की कैपेसिटी 400 की है, एक बंदे की सीधी पकड़ लो आप, हाँ 120 एक दिन की है, तो आपके पास टोटल कितने बंदे हैं, 12 मैन, कितने डेज हैं, 25, तो आप मैक्सिमम कितने मेरठ बना सकते हो, 120 इंटू 12 इंटू 25, 36,000, आपकी भी मंथली कैपेसिटी कितनी है, 36,000 की है। अब ये कहां पे यूज होगी, ये देखो इन्होंने ये बना रखा है, द डिपार्टमेंट इज गियर टू प्रोड्यूस 40,000 मेरिट्स पर मंथ एंड द मंथली एक्सपेंसिव ऑफ द डिपार्टमेंट आर एज 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 36,000 आएगा, 36,000 ही है ना, कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है ये कितने मेलेट्स की है, ये 40,000 की है, क्योंकि जब आप बजट बनाएंगे वेरिएबल तो वेरिएबल के हिसाब से लगाएंगे, और ये जो ये सारी कॉस्ट है ये कितने की है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पर मंथ है, पर मंथ आप कितने बना सकते हो, 36,000 बना सकते हो, तो ये जो कॉस्ट एलोकेट हुई है पर मंथ की, ये पर मंथ की कॉस्ट एलोकेट है, ये 36,000 मैलेट्स की कॉस्ट है, बहुत ही अच्छा और बढ़िया कंसेप्ट है, ये ध्यान से देखो, उसने दो चीजें कर दी, इसमें कॉम्बिनेशन कॉस्ट दे दी आपको कि 40,000 मैलेट की मेरी ये कॉस्ट पर मंथ आएगी, पर मंथ अगर आपके पास कैपेसिटी 36 है, इट मींस जो आपने फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट की वो 36,000 रुपए की, जो वेरिएबल कॉस्ट दे दी वो आपने उसको टोटल उठा के दे दी कि मेरी ये इतनी कॉस्ट आएगी। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है, आप इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में जो भी ऐड करना चाहो वो आपके ऑप्शन पे आ गया, मतलब अगर आप 50,000 आठ में कुछ और ऐड करना चाहो ना कि ये भी मैं वेरिएबल मानता हूं, तो उसमें नोट दे के उसमें डाल दो, बट उसके आगे कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो। अब फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, जो वेरिएबल है ये 50,800 है 40,000 के लिए, आपको कितने के लिए चाहिए, 500 के लिए, तो ये आ जाएगी 635। बाकी सारी जो फिक्स्ड कॉस्ट में डाल दी वो टोटल आ रही है 1,24,000, 1,24,000, ये कितने के लिए है, 36,000 के लिए इंटू 500, ये आ गया आपका 1,722। उसका कोई लेना देना नहीं है, आप देखो ना एक्चुअल में ज़ूम करो, ये बहुत एक्चुअल चीज बता रखी है इसमें, कि मैं आपसे कहूं कि यार मैं 2,00,000, ये ऐसी की एग्जांपल लेते हैं कि 40,000 मैलेट बनाना चाहता हूं, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी पर मंथ, नहीं 36,000 के ज्यादा आप नहीं बना सकते, बट आपने तो 40,000 बनाने हैं ना, पर मंथ नहीं बना सकते, अगले महीने में तो बना सकते हो, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे,
उसकी कॉस्ट तो वैसे कैलकुलेट करोगे ना, उसका वेरिएबल पोर्शन आ जाएगा, या तो आपको पर वेरिएबल कॉस्ट दे देता पॉलिशिंग, उसने वेरिएबल नहीं दी टोटल दे दी, टोटल। हाँ तो टोटल दे दी, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो 40,000 से मल्टीप्लाई करके ही बनी है। आप उस महीने नहीं बना सकते, अगले महीने तो बना ही सकते हो ना। तो ये टोटल आपके तीन कॉस्टें आ गई थी, ऊपर मटेरियल की आ गई थी 38,360 आई थी मटेरियल की, 200 का लेबर आया था, ये देखो मटेरियल की आप आई थी 38,360, लेबर पड़ी थी आपकी 200, और ये आपकी ये लोड करा के ये सारा आ गया आपका 40,917। ठीक है, ये आपके 500 लोड की आ गई, पर मैलेट की कितनी आ जाएगी 40,917/500 एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्रॉफिट दिया होगा वो सेल पे दिया होगा, और आप निकालते हो पहले कॉस्ट, तो उसको फिर प्लस माइनस कर लेना, ठीक है ना। ये 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अब अपना ये क्या निकला है कॉस्ट, तो कॉस्ट पे कितना हो गया वो 25%, ठीक है ना, कैसे भी निकाल लो वो। तो आपका प्रॉफिट इसमें कितना आएगा 81.834 का 25%, ये आ गया 2.0458। तो आपका सेलिंग प्राइस पर मिनट क्या बन जाएगा 102.29, 81.834 प्लस 20.458, क्लियर है। ये इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने ये डाला हुआ है, देखें आगे। A company can produce and sell at its maximum capacity 20,000 unit of product. The sale price per unit is 100. The present sale is 15,000 unit. To produce over 20,000 unit and up to another 10,000 unit, some balancing department are to be installed at a cost of 10 lakh and the same will have a span life of 10 years. अब देखो आपने बस क्या कुछ बता दिया कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 20,000 की, उसका 100 रुपया रेट है, प्रेजेंट सेल आप कितनी कर रहे हो 15,000, और 20,000 यूनिट तो आप बना सकते हो, अगर 20,000 से ज्यादा बनाना है नेक्स्ट 10,000, तो आपको 10 लाख की एक मशीनरी इंस्टॉल करने पड़ेगी जिसकी 10 ईयर की लाइफ होगी। द करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल 30%, डायरेक्ट लेबर 20%, वेरिएबल ओवर रुपी 20, प्रॉफिट 15 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑफ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी है 100, तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का हो गया 30 का, लेबर होगी 20 की, और वेरिएबल ओवर हो गए 20 के, 30,470 है, 5 कहां पे आ गए, प्लस 15 को घटा गया 85, तो आपका कंट्रीब्यूशन 30 आ गया ना। हाँ तो 15 रुपए आपके जो एलोकेट हुए हैं वो क्या आ गए, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, क्लियर है। ये देखो ना आपका 100 सेल वैल्यू है, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 20, तो आपका 70 का कंट्रीब्यूशन आ गया, सॉरी आपका कंट्रीब्यूशन 30 का आ गया, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको 15, तो इट मींस बाकी 15 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी।
ऐसे नहीं मैं कमेंट कर सकता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। ना 10 नहीं 15 के लेवल पे आप 15,000 बना रहे हो ना, 15,000 बना रहे हो उस पे आएगी, जितनी कैपेसिटी में आप कम कर रहे हो उसी का तो आपको प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाल ली कितनी आ गई, 15 × 15,000 कितनी आ गई, 2.25 लाख, ठीक है। द प्रेजेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू गो अप ड्यू टू प्राइस एस्केलेशन एज अंडर, ये आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, 10% मटेरियल बढ़ गया, 25% लेबर बढ़ गई, और वेरिएबल ओवरहेड में कुछ नहीं बताया, 50,000 इन फिक्स्ड ओवरहेड पर ईयर, 50,000 आपके कितने बढ़, क्या बढ़ रही है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो रही है, 2.25 से 2.75 हो रही है। देर इज कॉन्क्रीट प्रपोजल फ्रॉम ए पार्टी टू टेक 10,000 यूनिट एडिशनली ओवर द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस एट ए यूनिट प्राइस ऑफ 90। अब आपके पास एक ऑर्डर आ रहा है 10,000 यूनिट का 90 रुपए के हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एज शोन अबव द फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 50,000 ड्यू टू एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखो उन्होंने क्या कुछ बता दिया, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक 10,000 का ऑर्डर आ रहा है तो आपको देखो कितने खर्चे करने पड़ेंगे, आपकी प्रेजेंट आउटपुट कितनी है, प्रेजेंट आप कितने बना रहे हो, देखो 15 बना रहे हो, आपके पास 10,000 का ऑर्डर आ रहा है तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, 25,000, बट आप कितनी बना सकते हो, 20,000, तो इसका मतलब आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक तो वो बन गई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, और एक इसने क्लियरली कह दिया कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे 50,000 के, ये इन एडिशन टू वो 10 लाख हो गया। द कंपनी इज इन ए डिलेमा एज टू वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर 10,000 यूनिट और टू यूज द प्रेजेंट अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ 5,000 यूनिट फॉर विच देयर विल बी एडिशनल सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000। इग्नोर फाइनेंशियल चार्जेस एंड गिव योर रिकमेंडेशन। अब देखो आपने क्या रिकमेंडेशन देनी है इनको, अब अपने पास क्या प्रेजेंट पोजीशन है कि आप 15,000 बना रहे हो, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि या तो कंपनी एडिशनल एक्सपेंसेस करके 5,000 और बड़ा बनाए सिर्फ, तो वो तो हमारी करंट सेल वैल्यू में चले जाएंगे, 20,000 सेल करे, या कंपनी 10 लाख एक्सपेंडिचर करके आपको उसमें चली जाए, क्लियर हुआ है कि नहीं। अब यहां पे टोटल 4 ऑप्शन आ गई, पहले तो वो ऑप्शन समझते हैं कि अपने पास ऑप्शन कितनी है, ये देखो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 है कि हम 15,000 यूनिट ही बेचें, ऑप्शन 2 क्या आ गई कि हम सिर्फ सेल एक्सपेंडिचर करेंगे एक्स्ट्रा और अपनी सेल कितनी हो जाएगी, 20,000 की हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप एक एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं 10,000 वाला, तो इसकी 5,000 की बात नहीं करते, तो आप 15,000 के साथ 10,000 बेचें, 25,000। फोर्थ ऑप्शन क्या होगी कि आप इस पे भी एक्सपेंडिचर करो और ऑर्डर भी ले लो, तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 30,000। देखो आप यहाँ पे टोटल आउटपुट कैपेसिटी से इंक्रीज नहीं कर रहे, उसने 10 लाख कैपेसिटी बढ़ाई है तो उसने क्या कहा है कितनी आउटपुट बढ़ जाएगी आपकी, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10,000 यूनिट के लिए बढ़ेगी, आपके 20,000 है कैपेसिटी, 10,000 की बढ़ जाएगी, तो टोटल आपकी कैपेसिटी 30,000 हो रही है, तो आपके पास दोनों ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अब अपन देखें कि इन चारों एनालिसिस में अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, वेरिएबल कितनी आ रही है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले तो सेल,
शेयर देखो 15 वाले में केस में क्या रेट है अपना, 100 रुपया, 15 लाख की होगी सेल। सो इंटू 15,000, ठीक है। 20 वाले में सेल कितनी होगी, 100 के हिसाब से होगी 20 लाख, 100 इंटू 20,000, 25,000 वाले में केस में कितनी होगी, 15 लाख, तो ये वो 10,000 90 पे 9, 24 लाख की होगी ये सेल। इसमें कितनी होगी, पहली तो 15 और 5 वो 20, तो वो होगी और इसकी होगी 9, 29 होगी। ठीक है ना, हाँ तो हाँ 29 ही हुई ना। देखो ना, पहले 15, पहले से 15 प्लस आगे वाले से 5, आगे वाले 10 से 9, तो ये टोटल होगी आपकी 29, यहां पे होगी 24, ये सेल वैल्यू आ गया। अब मटेरियल, मटेरियल उन्होंने सीधा ही बता दिया कि बढ़ रहा है इसका कॉस्ट, चाहे आप डिसीजन लो चाहे ना लो, कितना बढ़ रहा है 10%। तो जो 20 रुपए का लगता था वो 23 रुपए का लगेगा अभी, ठीक है। तो 15,000 पे, 15,000 जहां पे सेल का 33% हो गया ना, वो तो 15 का 33% हो गया। मटेरियल लगेगा आपका, यहां पे आएगा आपका मटेरियल 33 इंटू 15 आ गया ना, 4.95, 33 रुपया है ना, 33 इंटू 15, यहां पे कितने का आएगा, 33 इंटू 20, 33 इंटू 20 कितने का हो गया, 6.60 का। और यहां पे कितने का आएगा, 33 इंटू 8.25, 33 इंटू 25, 33 इंटू 30, क्लियर है ये ना। लेबर कितने की आएगी आपकी, कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। तो पहले कितनी थी लेबर आपकी, 20 रुपया थी, 20 का 25% कितना हो गया, 5, 25 रुपये होगी लेबर। तो 25 इंटू 15, 3.75, 25 इंटू 20, 5, 25 इंटू 25, 6.25, और 25 इंटू 30, 7.50, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कोई नहीं बढ़े, ये किस रेट पे है, 20 पे, 20 इंटू 15 3 लाख, 20 इंटू 20 4 लाख, 20 इंटू 25 5 लाख, और 20 इंटू 30 कितना हो गया, 6 लाख। तो यहां पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 3 + 3 = 75, 4 = 95, ये आ जाएगा आपका 3 × 3 = 6 = 10 = 11.70, 15.60, 19.5 और 23.4, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब आप आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे, इन्होंने ना फिर प्रेजेंटेशन गलत दे रखी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया ना, तो यहाँ पे अपने को पहले निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं यहाँ पे निकाला। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 15 की सेल थी ना, 15 - 11.7 करेंगे, 3.3 आ गया कंट्रीब्यूशन, 4.4, और उसके आगे आ गया अपना 24 - 19.5 है ना,
साढ़े चार और उससे आगे 29 माइनस 23.4, 5.6। अब अपनी फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? सबसे पहले अपने ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली है? 2.25, वो तो सब में लग रही है ऑलरेडी। 2.25 और 2.25, और 50,000 फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ी गई, चाहे आप डिसीजन लो चाहे ना लो, 50,000 आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। 50, 50, 50 और 50 पहले केस में तो यही रहेगी। अब दूसरे केस में आपको कितनी फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी एडिशनल? ये देखो, ये वाली 500 यूनिट सेल करने के लिए देयर विल बी एडिशनल सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000। मतलब दूसरे केस में आपको 50,000 की एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसिव फिक्स कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो दूसरे केस में आप 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं ले रहे, 15,000 से सेल 20,000 करने के लिए अपने को एडिशनल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। ये देखो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर आप कहाँ गए यार, द कंपनी वेदर टू ऑर्डर और नॉट फॉर विच देयर विल, नहीं ये लिखा है ना देखो, द कंपनी इज इन डायनेमिक हैज वेदर टू एक्सेप्ट ऑर्डर प्रिटेंशन और टू यूज द प्रेजेंट अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ 50,000 यूनिट फॉर विच देयर विल बी एडिशनल सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000। मतलब अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है? 20,000 आपकी कैपेसिटी थी, आप 15,000 सेल कर रहे हो। वो कहते हैं अगर आप अनयूज कैपेसिटी करोगे उसको सेल करने के लिए 50,000 एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट करनी पड़ेगी, एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो हाँ, आप देखते हैं किस किस में आएगी किस में नहीं आएगी। बिल्कुल, अगर आप देखो हाँ, अगले बारे में आएगी बिल्कुल, क्योंकि वो 5,000 तो आपने बढ़ा ही दिया ना, सब में जा रहे हो तो तीनों में आएगी बिल्कुल। करते हैं बिल्कुल, एक मिनट, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसिव, सेलिंग एक्सपेंसिव देखो फिक्स इसमें नहीं आएगा, इन तीनों में आ जाएगा, क्योंकि आप वो 5,000 सब में बढ़ा रहे हो। अब आ गई एडमिन की बात, एडमिन एक्सपेंसिव जो 50,000 है ना, वो पहले वाले में तो नहीं आए, दूसरे वाले में भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो कब कर रहे हो आप? जब एक्सपोर्ट ऑर्डर ले रहे हो उसी पे आ रहे हैं एक्समेटिन एक्सपेंशन, तो ये इसमें आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे। और भी कोई है क्या है? तो इस केस में तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई टोटल 2.75 और इसमें आ जाएगी 3.25 और इसमें आ जाएगी 1,00,000 पर ईयर होगी, 1 लाख इसमें आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा आपकी 1 लाख की डेप्रिसिएशन और 1 लाख की डेप्रिसिएशन। तो ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? 2.25, 3.25, 4.25 और 4.75 आ गई ना। कितने है यार, कैलकुलेशन ही गलत कर गया मैं, 2.25 और है, नहीं, 8.25 कैसे आ गई? 2.25 प्लस 0.5 ये आ गया, पॉइंट एडिशन सेलिंग का आ गया, प्लस 4.75 आ रही, और मैंने 4.25 नोट की हुई है, एक मिनट, 2.75
ठीक है, इसमें भी गलत कर लिया आपने। ये जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, ये 25,000 में नहीं आएगा। क्यों? आप तो 15,000 प्लस 10,000 कर रहे हो, 5,000 एडिशनल कैपेसिटी तो यूज नहीं कर रहे। ये यहाँ पे फिक्स जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, एक में इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। जो 25,000 की प्रोडक्शन है उसमें तो आप 15,000 प्लस 10,000 कर रहे हो, तो वो जो अनयूज तो उसके लिए तो 10 लाख रुपया कर तो दिया। वो देखो स्पेसिफिकली बता रही है ये सेलिंग एक्सपेंसेस है एडिशनल, तो सेल तो कर ही नहीं रहे ना इसको आपका, तो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। बिल्कुल क्लियर है? तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई आपकी? 4.25 हुई। और लास्ट केस में कितनी आएगी? इसमें आपका ये 50,000 का एक्सपेंसिस भी आएगा, तो लास्ट केस में कॉस्ट आएगी आपकी 4.75। क्लियर है? तो अब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, बस फिर क्या बचेगा? प्रॉफिट आ गया आपका 55,000, सेकंड में 1.15, इसमें 0.25 और 0.85। तो आपका ये ऑप्शन में हम जाएंगे। देखो फिर ये देखो अपने पास अब ऑप्शन क्या थी, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन पहले किया थी, क्लियर हो गया ना फिक्स्ड कॉस्ट का, या थोड़ा सा डिस्कस करें? हो गया ना। इसमें आपने सिर्फ 15,000 में गए थे, ऑप्शन टू में आप 15,000 प्लस 5,000 में गए थे, थ्री में आप 15,000 प्लस 10,000 में गए थे, और फोर्थ में आप 15 प्लस 5 प्लस 10 में गए थे। तो फिक्स्ड कॉस्ट इससे रिलेटेड थी 2.25, और 50 हर केस में बढ़ गई थी, 2.25 50 हर केस में बढ़ गई। फिर जो एडिशनल सेलिंग की है, अगर आप एडिशनल सेलिंग करोगे, इसमें आप सेलिंग नहीं कर रहे, इसमें सेलिंग कर रहे हो, इसमें फिर नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हो, फिर 10,000 यूनिट कैपेसिटी बनाने की वो इसमें नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, इसमें हो रही है 50,000 और 50,000। फिर आपकी डेप्रिसिएशन भी इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही, ठीक है ना? आगे है देखते हैं आप, है ये 31। सुमेश ऑफ आगरा प्रेजेंटली ऑपरेट्स इट्स प्लांट एट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट ओनली टू मीट द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अंडर ए रेट कॉन्ट्रैक्ट। ही सप्लाइज द प्रोडक्ट फॉर 4 लाख एंड अर्न ए प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल रियलाइजेशन। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट। अब वो 80% कैपेसिटी पे 4 लाख की सेल कर रहा है, 20% सेल मार्जिन ले रहा है। द इंडेक्ट कॉस्ट एज पर हिज बजट प्रोजेक्टेड आर इतनी। अब वो कौन से कर रहा है? ये 20,000 यूनिट सेल कर रहा है, 80% कैपेसिटी पे कर रहा है ना। वेरिएबल है, सेमी और फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर 90% कैपेसिटी पे जाता है तो इसके वेरिएबल इतने हो जाते हैं, सेमी वेरिएबल, और अगर 100% कैपेसिटी पे जाता है वेरिएबल, सेमी और फिक्स्ड। क्लियर है? ही हैज रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट इक्वल टू 20% ऑफ इट्स प्रेजेंट ऑपरेशन। मतलब देखो थोड़ा सा नाम में चेंज कर फर्क पा दिया, 20% कैपेसिटी का ऑर्डर नहीं आया, जितनी वो कैपेसिटी यूज कर रहा है उसका 20% का ऑर्डर आया। एडिशनल पैकिंग चार्जेस ऑन दिस ऑर्डर विल बी 1,000। Arrive at the price to be quoted for the export order to give him a profit margin of 10% on the export price। वो कह रहे हैं कि
आपका 1000 रुपया तो एडिशनल खर्चा आएगा, 10% आप स्पॉट ऑर्डर पे प्रॉफिट लेना चाहते हो, आप इस पे कितना प्रॉफिट ऐड करोगे और कितना सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे। अपन देखें, हम पहले वेरिएबल में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो अपन ने अब कितनी कैपेसिटी बढ़ानी है, देखो अपनी प्रेजेंट सेल कितनी हो रही है। हाँ, सेल तो 4 लाख है, यूनिट्स में 20,000 सेल है ना, और 20,000 का 20% 4,000, अपने पास ऑर्डर अपने 24,000 यूनिट बनानी है, ठीक है। क्लियर है ना जी, कि अपने 24,000 यूनिट बनानी है, तो 20,000 प्रेजेंटली आप बना रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट 16 है, डायरेक्ट कॉस्ट है अपनी 120, इसमें अपना प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख में 20%, देखो इसमें अब अपने एक चीज वो भी निकालनी है कि मटेरियल भी लग रहा है या वेरिएबल वर्क एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी लग रही है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, देखो ही सप्लाई फॉर सप्लाई प्रोडक्ट 4,000 एंड अर्न ए प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेलराइजेशन, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, वो बात अपने निकालनी है कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। देखो अब अपने टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 80 80, 1,60 और 40, 2 लाख प्रेजेंट, वो 2 लाख इसकी कॉस्ट है और सेल कितनी है, सेल है इसकी 4 लाख की, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ गई जो अपने को दे रखी है, ये देखो 2 लाख 1,60, ये कॉस्ट दे रखी है ना अपने को 2 लाख, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना है, 280, ठीक है। तो बैलेंस क्या बच गया, 120, ये क्या बच गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। पर यूनिट कितनी आ गई, 20,000 इज इक्वल टू 6,000। क्लियर है ये। अब अपन निकालते हैं 20,000 और अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है, 20,000, अपने को बनानी कितनी है यूनिट, 20,000 प्लस 20%, अब अपने को 24,000 यूनिट बनानी है, उस पे आप देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आ रही है और उसका आप क्या प्रॉफिट डिसाइड करें। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट एट द रेट ₹6 1.20 लाख, इसकी 1.44 लाख, 24,000 इंटू 6, इंक्रीमेंटल कितना हो गया आपका 24,000। वेरिएबल वेरिएबल 80 दे रखी है टोटल 20,000 पे, तो पर यूनिट कितनी होगी, 4 80, और इसमें कितनी होगी 0.96, इंक्रीमेंटल कितनी होगी 0.16। अब आ जाओ सेमी वेरिएबल पे, सेमी वेरिएबल कितनी आएगी, यहां पे तो दे रखी है 0.40, अब इसमें कितनी आएगी, देखो आप इस कैपेसिटी से इस कैपेसिटी में जा रहे हो, क्लियर है। देखो अब आप 22,500 की कैपेसिटी पे तो ये दे रखी है, बैक तो जाओगे नहीं, क्योंकि अब आपने 24,000 बनानी है, तो 24,000 किस में आएगी, इस कैपेसिटी में जाएंगे आप,
2200 में से 25 पे जा रहे हो ना, तो उस पे देखो कितनी आ रही है आपकी, 45,000 माइनस 42,500 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है ना। ये देखो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 45,000 माइनस 42,500 डिवाइडेड बाय 2500, ये कितनी आ जाएगी, 45,000 माइनस 42,500 डिवाइडेड बाय 1 आ गई। 1 क्या आ गई, वेरिएबल आ गई। तो ये कितने पे थी वेरिएबल, 25,000 पे थी ना, 45,000, 25,000 यूनिट पे 45,000 आ रही है, तो 20,000 आपका क्या रह गया, फिक्स्ड रह गया, पर यूनिट आ गई ना, 20,000 फिक्स्ड रह गया। तो 25,000 पे अगर आप 25,000 पे बात करते हैं, तो फिक्स्ड आ गई आपकी 20,000 और वेरिएबल आ गई एट द रेट 1। अब आपने 4,000 यूनिट बनाने हैं ना, तो 4,000 बनाने हैं तो वेरिएबल कितनी आ गई, एक ही के हिसाब से 1 × 24,000 और फिक्स्ड कितनी है, फिक्स्ड है 20,000, टोटल 44,000 था। सेमी आ गई आपकी 44,000, कितना इंक्रीमेंटल हुआ, 0.04 से। फिक्स्ड कितनी है, यहां पे 80 है, यहां पे उसने क्लियरली बता रखा है कि 1,000 आपको एडिशनल पैकिंग करनी पड़ेगी, तो यहां पे कितनी आ जाएगी, 81.01। टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आई, 45। अब आपके 45,000 की कॉस्ट बढ़ रही है, आपको प्रॉफिट कितना लेना है, प्रॉफिट लेना है आपको 10% ऑन द स्पॉट प्राइस। तो 10% अगर स्पॉट प्राइस पे लेना है, तो कॉस्ट पे कितना हो गया, 1/9। अब आपको 5,000 का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, तो सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000, क्लियर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको ना मैंने किसी और तरीके से भी सोचा था कि इसकी आप ऑर्डर और किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट ये इंक्रीमेंटल तरीके से ही निकलेगा, क्योंकि इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड है, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपनी एडिशनल खर्चा आ जाएगा, तो उसके आप क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करें। ये प्रोडक्ट आइसोलेटेड नहीं बन सकता, आइसोलेटेड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये देखो अगर आप इसके कोर्स निकाले तो ये इसकी आइसोलेशन बनती है, ये देखो अगर हम देखो ये अप्रोच दी हुई है, तो आप अदरवाइज आप सोचें तो कैसे बनाते हैं, आप ये सोच रहे हैं ना कि अब ये प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें कितना खर्चा आएगा, वेरिएबल तो ये सीधे आपके ये आएंगे ही आएंगे, ये कॉस्ट में आ जाएगी, ये जो पोर्शन है ये सेमी वेरिएबल का कितना अपना बढ़ेगा वो पोर्शन आ जाएगा यहाँ। हाँ ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते, क्योंकि देखो इसमें फिक्स, देखो अपने यहाँ पे हाँ मतलब यहाँ पे वो इस तरीके से खाली वो भी निकाल सकते हैं आप, इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट अपने को, ये देखो ना यहाँ पे अपने 44,000 निकाली थी वो एबली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे अपने को 4,000 का एडिशनल, तो उस पे एडिशनल में आ जाएगा, मतलब ये सब खाली प्रेजेंटेशन में यहाँ से भी दे सकते हो आप, ये वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ये आ रही है, ये एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, ये फिक्स्ड आ रही है, तो 45,000 रुपए निकाल के उस पर प्रॉफिट कर दो। तो ये चीजें फिर आपको देने की जरूरत नहीं कि 20,000 रुपए कितना आ रहा है, 24,000 रुपए कितना आ रहा है, वो जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ वही कॉस्ट चाहिए ना, आपको 4,000 की कॉस्ट निकालनी है, आप उसके वेरिएबल एक्सपेंसिव पकड़ो यहां से, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है,
सिर्फ इसी की अपने को वो कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल देनी पड़ेगी कि मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर 4,000 पे जाता हूँ तो इतनी आ रही है, इसका मतलब इससे रिलेटेड होगी ना, वो खाली आ जाएगी। वो देखो अपने लगाई है, खाली यही लगाई है, तो मतलब फिर आपको ये सारी कहानी शुरू करने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकली वही बनती है ज्यादा, क्योंकि आप अपनी अप्रोच से देखेंगे तो ये तो सब बुक्स में दिया हो तो आप समझ लेते हैं कि हम करने जाते हैं। जब आप अगर आप खुद करोगे ना क्वेश्चन उसको, तो आप उसी अप्रोच से करोगे। मैंने भी उसको उसी अप्रोच से किया था, जब स्टार्टिंग में देखा मैंने कहा 4,000 बनाने हैं तो उसको कैसे करूंगा कि ये जो मेरे वेरिएबल आएंगे इस पे इतनी रिस्क कॉस्ट पड़ रही है, उसका वेरिएबल डालो उसमें रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर करना, बस दो लाइन का क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं इनको सब, और ना छोटे छोटे हैं, बत्तीस नंबर है। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पोनेंट इज एज एंटर, प्राइम कॉस्ट 15, वेरिएबल ओवरहेड 7, फिक्स्ड ओवरहेड 4, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 26। द सेम पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 23, शुड द फर्म मेक और बाय। देखो ना अब अपने फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अपने को वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15 प्लस 7 22 है, मार्केट से कितना मिल रहा है 23 का, और अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें वो तो अपने को इनकर्ड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इन्होंने में साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, वो क्या दे रखी है इन्होंने, उन्होंने कहा हुआ है और वो बहुत अच्छी है एक्सप्लेनेशन, कि अगर हम इस कैपेसिटी को यूज कहीं और कर सकते हैं उसमें से भी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलती है तो हम इसको बाय भी कर सकते हैं। अगर अपनी कैपेसिटी यूज करके अपने को 1 रुपये से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, अपने को यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना बाय करने में, अगर आप अपनी कैपेसिटी यूज करके अगर वहां से 2 रुपये अर्न कर सकते हो तो अननेसेसरली इसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, इसको हम बाय करेंगे, ठीक है ना। मतलब इनमें जो नोट दिए होते ना इनको जरूर पढ़ो आप, और साथ में ये एप्लीकेशन भी लगाओ कि क्या इन्होंने सही कहा है कि मैं उसको इस तरीके से सोच पा रहा हूँ, फिर आप उसको एग्जाम में दोगी और वाकई ये सही बात है कि ये कैसे कह रखी है। अब ये बिल्कुल सही उनका कमेंट है कि अगर आप इस कैपेसिटी को कहीं और यूज कर लोगे और उस पर क्लियरली लिख दो कि अगर उसमें से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 रुपये से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो फिर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप उसको नहीं। इतना नहीं, देखो पता है उसमें अगर मान लो ये आ गया तो इसमें आप आंसर लिखोगे क्या, आप ये बताओ। अगर 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ इसमें 2200 करके 23 करके लिख दोगे, हाँ छोटा सा बस। देखो ना आप थोड़ा सा लिखने आप पर्पस समझो, मान लो अगर आपने इसको 4 नंबर में सिर्फ सपोज ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप इतनी बात लिख दोगे कि वेरिएबल कॉस्ट 22 है और मैकिंग कॉस्ट 23 है तो यू विल बाय इट, तो आपको 4 नंबर नहीं देगा वो। हमें बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसको एज ए डिसीजन मेकिंग किस तरीके से सोच रहा हूँ, कि प्रेजेंटली ऑन फ्रंटली तो यही बन रहा है कि मैं इसको बाउ करूंगा, बट अगर मैं अपनी एडिशनल कैपेसिटी कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, अगर वहां से 1 रुपये से ज्यादा मेरे को मिल रहा है तो मैं इस डिसीजन को लूंगा। क्योंकि आप एक डिसीजन मेकिंग में हो तो आपको सारे एंगल सोचने पड़ेंगे, और ये एक्चुअलिटी भी है, जब आप अपना डिसीजन लेते हो तो आप देखते हैं कि यार इसका कोई और अल्टरनेट यूज है या नहीं है। अगर और अल्टरनेट यूज नहीं है फिर ये कहानी बनेगी, अगर अल्टरनेट यूज है तो आप उसको कह दो कि भाई मेरे को पता है, मैंने ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको परमानेंट मान लिया, मेरे को इस बात की नॉलेज है कि अगर मैं अपनी कैपेसिटी कहीं और यूटिलाइज करके 1 रुपये से ज्यादा अर्न कर लूंगा तो आई विल गो फॉर परचेज। ये भी है छोटा सा 33। बट ये है कि ये सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है,
मतलब ये आपने को एक नई चीज भी सिखाते हैं, हर क्वेश्चन में एक छोटी ना छोटी चीज आपको मिलेगी। और आप इसमें एक बार मेरी फिर ध्यान में रखो कि ये सम क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कि आपका माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए कि जो आप सम करो वो बाद में सोल्यूशन देखो उसका सोल्यूशन उतना सेम होना चाहिए, और उसका सोल्यूशन वो सेम नहीं है तो आप इसको क्वेश्चन करो कि ये गलत है। आप अपना माइंड इतना वो कर लो कि मैंने किस डिसीजन पे जाना है, कौन सी कॉस्ट मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है। और अगर आपके कहीं राय डिफरेंट हो ना तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करो कि इस क्वेश्चन में हमारी राय डिफरेंट आ रही है या आपकी राय मेरी राय से भी डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि देखो ये कंसेप्चुअल है, जैसे आपने वो फिक्स्ड कॉस्ट का क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक बनता है, जो आपने लास्ट अभी सम किया कि जैसे वो मशीनरी का जो ऑयल लग रहा है या पावर लग रही है वो तो फिक्स्ड नहीं हो सकती, वो उस पर भी आ सकती है, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको नोट दे के ये डाल दो कि ये चीजें हमने वेरिएबल कॉस्ट में कंसिडर की हैं और ये फिक्स्ड में कंसिडर की हैं। परफेक्ट प्रोडक्ट लिमिटेड इज करंटली बाइंग ए कंपोनेंट फ्रॉम ए लोकल सप्लायर ऑफ 15 ईच, 15 रुपए का आपको मार्केट से मिल रहा है। द सप्लाइंग इज टेंडेड टू बी इरेगुलर, अब वो बंद हो रही है। टू प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन, बाय एंड इंस्टॉल ए समवट सेमी ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट व्हिच वुड इन्वॉल्व एन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 9 लाख एंड ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6 पर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। या तो आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हो, उसके कॉस्ट आपको कितनी आ रही है, 9 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट उसको बनाने की कितनी पड़ेगी, 6। बाय एंड इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस कंपोनेंट इनकरिंग एन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 15 एंड ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 पर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। या तो आप सेमी ऑटोमेटिक लगाओ 9 रुपए और उसका 6 रुपए खर्चा आएगा, या फुली ऑटोमेटिक लगाओ उसके वन टाइम कॉस्ट कितनी आएगी, 15 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, 5 रुपए। डिटरमिन विद नेसेसरी कंप्यूटेशन द एनुअल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन ईच केस टू जस्टिफाई स्विच ओवर फ्रॉम आउटसाइड परचेज टू ऑन मैन्युफैक्चर। ये क्वेश्चन की देखो बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हो इस पे। पहली तो रिक्वायरमेंट उसकी ये है द एनुअल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कि आप कितनी वॉल्यूम निकालोगे कि आप अपने आप को जस्टिफाई करो बोथ अल्टरनेट के लिए, कि मैं अगर ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहता हूं तो मेरे को इतना बेनिफिट हो रहा है, अगर मैं ऑटोमेटिक लेना चाहता हूं तो कितना हो रहा है, अपने वो वॉल्यूम निकालना है, है? ब्रेक इवन निकालने के लिए बोला है कि अगर आप प्रेजेंट में जा रहे हो तो अगर प्रेजेंट तो आप 15 रुपए का ले ही रहे हो, अगर उससे आप दूसरे में जाना चाहते हो तो आप कितनी वॉल्यूम निकालोगे कि आप एट पार पहुंच जाओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। तब पहले पहली रिक्वायरमेंट देखें, पहली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका परचेज प्राइस कितना है, 15 आपका परचेज प्राइस 15 रुपीज है ना दोनों केसेस में, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, इट मींस क्या है, आप अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हो तो आपको 9 रुपया सेविंग हो रही है पर यूनिट। इस केस में आपको कितनी सेविंग हो रही है पर यूनिट, सेविंग पर यूनिट यहां पे 9 हो रही है और यहां पे हो रही है 10। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 9 लाख और 15 लाख। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी मिनिमम यूनिट बनानी पड़ेगी कि आप इस पे पहुंच जाओ तो आप कैसे निकालोगे, 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1 लाख यूनिट। अगर आपकी 1 लाख यूनिट की डिमांड है तो हम कहेंगे हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन बनानी चाहिए, इस केस में 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितनी आ गई, 1.5 लाख यूनिट।
अगर आपकी डिमांड 1.5 लाख यूनिट है तो आपको कौन सी मशीन बनानी चाहिए? ऑटोमेटिक। तो आपने दोनों की रिक्वायरमेंट बना दी कि अगर हम जस्टिफाइड करते हैं कि अगर 1 लाख पे तो हम इस पे जा सकते हैं और उसके जस्टिफिकेशन के लिए हमें 1.5 लाख पहले के लिए हम ऑटोमेटिक मशीन पे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, द एनुअल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई सिलेक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक मशीन इंस्टेड ऑफ द सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अब वो कह रहा है कि हमें जस्टिफिकेशन दो कि अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन से ऑटोमेटिक में जाना चाहते हो तो आपको कितनी वॉल्यूम बनाएंगे, कितनी आएगी। देखो आउटराइटली क्या लगता है, सीधा 1.5 लाख लगता है, बट वो 1.5 लाख नहीं है। अब आप कैसे जाएंगे इसमें, आपकी देखो पहले तो आपने 1 लाख यूनिट बना लिए और आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में तो दे दिया था 1.5 लाख यूनिट, बट अगर आप सेमी से ऑटो में जाना चाहते हो तो कितने एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो आप? देखो ना आप अब आप इसमें सेमी पे आ चुके हो, अब आपने सेमी से ऑटो में जाना है तो आपको 6 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो। हाँ, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट है ₹6 लाख और सेविंग कितनी हो रही है आपकी 1 यूनिट, तो आपको कितने यूनिट चाहिए ऑटोमेटिक में जाने के लिए? 6 लाख यूनिट। 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 मतलब आपको 6 लाख यूनिट अगर बनाओगे तो फिर आपको सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक में जाने का फायदा है। पहले अपने 1.5 लाख रिक्वायरमेंट निकाली थी कि 22 से अगर ऑटोमेटिक में जाते हैं तो 1.5 लाख पे जस्टिफिकेशन होती है, बट अगर आपको यहां से वहां तक जाना है तो आपको कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे? एडिशनल 6 लाख बनेंगे ना। छह लाख यूनिट पे अगर आप जाते हो तो फिर बेनिफिट है। अब एक और भी है इसकी रिक्वायरमेंट, इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख नंबर एंड द वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर, वुड यू रिकमेंड द ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जस्टिफाइड योर रिकमेंडेशन। अब देखो उसने एनुअल रिक्वायरमेंट बता दी कितनी, 5 लाख, तो अपने को 5 लाख में कौन सी मशीन पे जाना चाहिए? सेमी पे, ठीक है। अब उसमें साथ में थोड़ा सा ये ऐड कर दिया, एंड द वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर, वॉल्यूम देयर आफ्टर बढ़ रही है आपकी, वुड यू रिकमेंड टू ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। पर आपकी तो रिक्वायरमेंट 5 लाख है, तब आप क्या करोगे? हाँ, आगे इंक्रीज होने वाली है, तो अब आप कंपनी को क्या रिकमेंड करोगे, सेमी के फुल? अब देखो इसमें आपको दूर थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब आप कंपनी को डबल रिकमेंडेशन दे दोगे। डबल मतलब कि हम आप रिकमेंडेशन का तरीका क्या होगा कि हम प्रेजेंटली सिचुएशन में तो हमें सेमी ऑटोमेटिक ही मशीन लेनी चाहिए, बट जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट आगे बढ़ रही है तो फिर हम एडिशनल मशीन नहीं ले पाएंगे, क्यों? फिर तो कॉस्ट आपका 6 लाख से थोड़ी होगी, फिर तो 15 लाख कॉस्ट और करनी पड़ेगी। अब आप इस पोजीशन में होगी कंपनी को रिकमेंड करना कि कौन सी मशीन लो 5 लाख पे, तो आप डेफिनेटली 5 लाख पे वाइबल कौन सी है? सेमी। बट वो कह रहा है कि यार रिक्वायरमेंट और भी बढ़ रही है, तो आप कहोगे यार कि एट द प्रेजेंट सिचुएशन तो आपको 5 लाख सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही लेनी चाहिए, बट लेनी बनती है, बट जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट बन रही है तो आप अगर 1 लाख पे इमीडिएटली पहुंच जाओगे 1 या 2 साल में तो आप फिर वो मशीन तो ले नहीं पाओगे, इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि बाय फॉर ऑटोमेटिक मशीन। ये डबल आंसर है, मतलब दोनों अपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आज की पोजीशन में तो आपको सेमी ऑटो ही बनती है, बट आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और इन्होंने ये लिखा होता कि ये आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट बढ़नी नहीं, या साइलेंट होता कि आपके 5 लाख की मशीन है, बताओ कि क्या रिकमेंडेशन है, फिर क्लियरली सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। बट उसने ये साथ में लिख दिया, वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर,
इसमें आपने देखो इन्होंने वो भी बता रखा है कि आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, कि अगर आज आप सेमी ले लेते हो तो बाद में आप एडिशनल 15 लाख फिर खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए आप उस पर नहीं जाओगे। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का करोगे क्या, उसकी सेल वैल्यू क्या होगी, सारी चीजें मिला के। ठीक है आज के लिए।